हेलो फ्रेंड्स, उर्वशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सौंफ पाउडर को कैसे बनाया जाता है, होममेड सौंफ पाउडर की रेसिपी। ये सौंफ का पाउडर जो है बहुत सारी रेसिपीज में यूज किया जाता है, तो इसको आप घर पे ही आसानी से बना सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। सौंफ का पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम सौंफ, जिसमें से मैं आधा यूज करने वाली हूँ। तो 50 ग्राम सौंफ हम यूज करेंगे। ये पैकेट 100 ग्राम वाला है, तो जब भी आप आपको यूज करना हो तभी आप इसको खोल के यूज करिएगा, ताकि इसका फ्रेशनेस बरकरार रहे। तो इसमें से आधा मैं यूज कर रही हूँ, 50 ग्राम जितना। गैस मैंने ऑन कर दिया था और कढ़ाई गर्म हो गई थी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये मैंने लखनवी सौंफ यूज की है, वैसे नॉर्मल सौंफ भी आप यूज कर सकते हो जो थोड़ी सी मोटी आती है। ये एकदम दाने में थोड़ी सी पतली होती है, ये देख सकते हो आप। इसको ड्राई रोस्ट इसलिए करना है क्योंकि इसका मॉइस्चर हमें ये रोस्ट करेंगे तो ये मॉइस्चर इसका उड़ जाएगा। बहुत सारी चीजों में ये सौंफ का पाउडर यूज होता है, तो इसको रेडी करके रखने में ही अच्छा रहता है, ताकि हम फटाफट इसको यूज कर सके। और ये जो है आप यूज करके अच्छा इसका ये जो फायदे है वो मिल सकते हैं आपको। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैं हाथ में ले सकती हूँ, उतना ही ड्राई रोस्ट करना है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद हम इसको कढ़ाई में न रख के इस तरह से फैलाकर एक डिश में ले लेंगे, और इसको फैलाकर हमें ये पंखे के नीचे रख देना है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इस तरह से फैलाना मत भूलना, न तो एक के ऊपर एक इसका मॉइस्चर और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, ये कम्प्लीटली कूल हो गया है। तो अब मैं इसको ये मिक्सी जार में ले लेती हूँ। मिक्सी जार में लेने के बाद हम इसको ये ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कम्प्लीटली पाउडर्ड फॉर्म में हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल भी इसको ये जो साबुत नहीं रखना है दरदरा, ये कम्प्लीटली पाउडर फॉर्म में हमें ले लेना है। तो इसको अब हम एक जार में ले लेंगे। जब आपको प्रिजर्व करना हो तो इसको जो है एयर टाइट एक डिब्बी में ले लेना है, और फ्रिज में रख दोगे तो ये ऐसा ही फ्रेश रहेगा। तो इस तरह से एक एयर टाइट डिब्बी लेकर आप इसमें भर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने एक एयर टाइट डिब्बी ले ली है, उसमें ये ट्रांसफर कर लिया है। ये सौंफ का जो पाउडर है, इसको आप समोसा में भी यूज कर सकते हो, और बहुत सारी रेसिपीज में ये यूज होता है। तो इस तरह से आप एयर टाइट डिब्बी में बंद करके फ्रिज में रख दीजिएगा, ये बहुत ही फ्रेश और अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।